नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 31 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 8 जनवरी को मिनी बस की यातायात सेवा रहेगी बंद। बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। 8 जनवरी 2020 को समूचे बिहार में परिचालित होने वाले सभी बसों की यातायात सेवाएं रद्द करने का आदेश जारी किया गया है, जिसका ऐलान ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और बिहार मोटर फेडरेशन ने किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के सभी मिनी बस चालकों का यह कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए अधिनियम का सीधा असर छोटे बस चालकों को देखने को मिलेगा, इसलिए इस विधेयक की वापसी के लिए सभी मिनी बस के चालक ने इसे बंद करने का ऐलान किया है। अब गांव की सड़कों पर दिखेगी हरियाली। जल जीवन हरियाली यात्रा को लेकर सरकार जोर शोर से काम कर रही है, जिसका असर अब दिखने भी लगा है, क्योंकि सरकार के इस योजना के तहत अब बिहार के ग्रामीण इलाकों के सड़कों को हरा भरा करने का मन बना रही है, जिससे कि अब ग्रामीण सड़कों पर लगभग 6,30,000 पौधे लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस नीति के तहत पूरे राज्य में लगभग 36,000 किलोमीटर पुरानी सड़क को भी दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। इसके लिए DPR में राशि आवंटित कर दी गई है। सीटों पर जारी अटकलों के बीच प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा बयान। जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान में उपाध्यक्ष और मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भाजपा के झारखंड चुनाव हारने के बाद भी 50-50 सीटों की मांग पर बड़ा बयान दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में सीटों का बंटवारा साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के आधार पर होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार में 50-50 सीटों का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। बार काउंसलिंग का चुनाव अब 9 फरवरी को। अब नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए बार काउंसलिंग का चुनाव 9 फरवरी को करवाने का निर्देश जारी किया गया, जिसके पश्चात मौजूदा अध्यक्ष ललित किशोर और उपाध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव की जगह पर नए अध्यक्षों का चेहरा देखने को मिलेगा। काउंसिल के सचिव अशोक कुमार की माने तो अगले साल 10 जनवरी को इन पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जबकि 16 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके पश्चात 9 फरवरी को चुनाव करवाए जाएंगे। गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए नजर। गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी भी दर्ज की गई। आपको बता दें, गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के समापन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शीतल कुंड गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका, साथ ही साथ इस 3 दिवसीय समारोह में सम्मिलित होने वाले सभी श्रद्धालुओं का तहे दिल से शुभकामनाएं और बधाई भी दी। हंसों से मिलने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही कटिहार जिले के मनिहारी क्षेत्र के निवासी दिलीप पासवान से जल्द ही मिलने वाले हैं, जहां पर वो दिलीप कुमार के हंसों का दीदार करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 5वें और आखिरी चरण के जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत रोहतरा स्थित चमरू पोखर पहुंचने वाले हैं। वहीं पर मनिहारी के रहने वाले दिलीप पासवान अपने 16 हंसों के साथ पहुंचने वाले, हालांकि अभी इस बाबत प्रशासनिक स्तर पर कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। रोहतास गढ़ के किला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भारत के प्राचीन किलों में से एक माने जाने वाला रोहतास गढ़ का किला साहस, शक्ति और सोन घाटी की सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह किला रोहतास के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशूंग के पौत्र व राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिता शव ने कराया था। रोहतास गढ़ जलप्रपातों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कैमूर की पहाड़ियों से पूर्व की ओर गिरते हैं और सोन नदी में मिल जाते हैं। यानी एक बात तो साफ है कि रोहतास गढ़ में आप कई स्थानों का एक साथ देखने का आनंद उठा सकते हैं। इको पार्क के नए गेट का हुआ उद्घाटन। पटना के इको पार्क में घूमने आने वालों के लिए एक नए गेट का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। साथ ही साथ मुख्य सचिवालय के पास बने तालाब परिसर का भी भ्रमण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस तालाब का नाम बदलकर राजधानी जलाशय रखने का भी ऐलान किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां मौजूद सभी अधिकारियों को पार्क से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश देते भी दिखाई दिए। अमिताभ बच्चन को मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। फिल्मों के शहंशाह अमिताभ बच्चन किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और अपने योगदान के लिए उन्हें फिल्मी जगत से लेकर हर किसी ने हर स्तर पर सराहा है। इसी क्रम में उन्हें इस बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसके पश्चात उन्होंने देश की जनता और समारोह में मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन को इस सम्मान को ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ढेर सारी बधाइयां दी हैं। बिहार का यह शहर ठंड के मामले में शिमला की कर रहा है बराबरी। वर्तमान में पूरा बिहार ठंड का असर झेल रहा है। शीतलहर का असर इतना ज्यादा है कि लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल सा हो गया है। वहीं बिहार के गया जिले में ठंड का असर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब गया का तापमान शिमला के तापमान को बराबरी दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान में गया का पारा 4 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। CSBC बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी।
केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस में सिपाही के 11,880 पदों पर बहाली के लिए होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जो कि अब अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद के आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञात हो, जारी किए गए इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ कॉलम को भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आपको यह भी याद दिला दें कि सिपाही बहाली की यह परीक्षा का आयोजन 12 और 20 जनवरी 2020 को किया गया है। पटना यूनिवर्सिटी में नए साल में रिसर्च और इनोवेशन पर दिया जाएगा खासा जोर। आने वाला साल पटना यूनिवर्सिटी के लिए कई सारी उम्मीदें लेकर आ रहा है, खासकर कि पटना विश्वविद्यालय का एकेडमिक सेक्शन तो आने वाले साल में काफी नया और बदला नजर आने वाला है। एकेडमिक करिकुलम में सुधार के साथ साथ यूनिवर्सिटी अपने अन्य सुविधाओं में भी सुधार लाने का काम करने वाली है, जिसकी रूपरेखा तैयार करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ज्ञात हो, पटना यूनिवर्सिटी में नैक होने के बाद कई तरह की कमियों का आकलन किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा खराब हालत पटना विश्वविद्यालय के रिसर्च और डिपार्टमेंट का दिखा, जिसमें सुधार का काम विश्वविद्यालय अगले साल से शुरू करने वाली है। दसवीं पास अभ्यर्थियों के लिए नौकरी करने का ये सुनहरा अवसर। सभी दसवीं पास अभ्यर्थियों और साथ ही साथ नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम में कुल मिलाकर 243 पदों पर रिक्तियां निकाली थी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को केवल बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के आधिकारिक वेबसाइट www.bsmfsc.org पर जाकर आवेदन भरना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। नए साल पर महावीर मंदिर में बनेगा 8000 किलो लड्डू। राजधानी पटना में महावीर मंदिर में साल की शुरुआत बेहद ही शानदार ढंग से किए जाने की खबरें सामने आ रही है। खबरों की माने तो नए साल के दिन पटना महावीर मंदिर में लड्डुओं की खपत को ध्यान में रखते हुए लगभग 8000 लड्डू बनाया जाएगा। इसके साथ ही नए साल के शुभ अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए 4 अन्य पुजारियों को आमंत्रण भेजा गया है। और तो और, नए साल के दिन मंदिर में इकट्ठा होने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी सलाह। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के खिलाफ एक भी मौका नहीं छोड़ते बयानबाजी करने का। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर तंज नहीं कसा है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह देकर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह देते हुए अपने जनसभा यात्रा को संबोधित करते हुए यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई सामान्य राजनीतिक नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी, आप इन्हें छोड़ दें और खुद को भाजपा से अलग कर लें। हम सब आपका समर्थन करेंगे। देश की खातिर अब आप भाजपा छोड़ दें। जश्न के साथ साल 2019 की होगी विदाई। आज इस साल का आखिरी दिन है और बस कुछ ही घंटे बचे हैं जब नए साल का स्वागत तहे दिल से किया जाएगा। नए साल के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कहीं भजन कीर्तन गाकर नए साल के स्वागत की तैयारियां की जा रही है, तो कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस साल को विदा करने और अगले साल का स्वागत करने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, नए साल के दिन घूमने आने वालों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी होटल और रेस्टोरेंट ने अलग अलग व्यंजनों की सूची तैयार करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर द्वारा जदयू को सबसे बड़े पार्टी कहे जाने का भाजपा ने दिया जवाब। आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में भले ही अभी महीने बचे हैं, मगर सियासी गलियारे में सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजियां तेज हो गई हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर ने भाजपा के इस बयान को नकार दिया था, जिसमें भाजपा ने आगामी चुनाव में 50-50 रेशियो पर सीट बंटवारे की मांग को दोहराया था, जिस पर अब भाजपा नेता नितिन नवीन ने भी अपना जवाब दिया है और कहा है कि सीट बंटवारे का फैसला पार्टी हाईकमान ही लेगा। तो यह समझ से परे है कि प्रशांत किशोर सीट बंटवारे को लेकर इतनी बयानबाजियां क्यों कर रहे हैं। उनका बयान जदयू का आधिकारिक बयान नहीं है। ठंड के कारण सब्जियों के दाम बढ़े। ठंड का असर आम जनजीवन के दिनचर्या में दिख रहा है और अब इसका असर लोगों के रसोई में भी दिखने लगा है। ठंड के कारण अब बाजार में हरी सब्जियों के आयात दर में कमी आने की वजह से हरी सब्जियों के दाम में उछाल देखने को मिल रहा है। प्याज के बढ़ते दाम से वैसे ही आम जनता काफी ज्यादा परेशान थी और अब हरी सब्जियों के दाम में इजाफा देकर लोगों को हरी सब्जियों का सेवन भी सोच समझ कर करना पड़ रहा है। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। झारखंड में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौट चुके और लौटते ही उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसा है और कहा है कि संविधान की जगह गोलवरकर की बंच ऑफ थॉट्स और गांधी की जगह नाथुराम गोडसे की अगर पूजा होगी तो देश को सोचना पड़ेगा। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की तस्वीरें की शेयर। ठंड चाहे कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, राजनीतिक गलियारे में हमेशा गर्मी का माहौल ही बरकरार रहता है। हर कोई एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला जारी जो रखता है। एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां पर हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी की दूरबीन वाली तस्वीर को शेयर करते हुए तंज का सिलसिला जारी रखा है। तस्वीर शेयर करके उन्होंने लिखा है कि इस ठंड के मौसम में सूबे में अलाव की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी जी।
छह मास के बाद राजद गठित करेगा राज्य और जिला समिति। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बिहार की राज्य सरकार गदगद है। अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करने के बाद अब राजद में राज्य समिति और जिला समिति का गठन किया जाना है, जो कि खबरों के अनुसार खरमास खत्म होने के बाद किया जाएगा। आपको बता दें, खरमास के बाद आयोजित होने वाली समिति गठन में दोनों समितियों में अति पिछड़ों और वंचितों को 45% आरक्षण दिया जाएगा। इतना ही नहीं, खरमास के बाद मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव प्रदेश भ्रमण पर भी निकल सकते हैं। गांगुली ने सुनील गावस्कर को माना सबसे बेहतरीन सलामी बल्लेबाज। पूर्व कप्तान एवं वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है कि जब भी बात सलामी बल्लेबाजी की होगी, सुनील गावस्कर का नाम हमेशा उसमें ऊपर रहेगा। हालांकि उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को भी एक बेहतरीन सलामी बल्लेबाज माना है और कहा है कि सहवाग भी गावस्कर से ज्यादा पीछे नहीं है। उन्होंने सहवाग को सलामी बल्लेबाज के रूप में उस पीढ़ी का सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी माना। स्विट्जरलैंड में अनुष्का विराट संग दिखे वरुण और नताशा। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इन दिनों नए साल के सेलिब्रेशन के लिए स्विट्जरलैंड में है, जहां से आए दिन दोनों कई सारे फोटो शेयर करते रहते हैं। इसी बीच अनुष्का और विराट की एक और तस्वीर ना सिर्फ अनुष्का विराट के फैंस को बल्कि वरुण के फैंस को भी काफी ज्यादा पसंद आ रही है। दरअसल हाल ही में अनुष्का और वरुण ने अपने अपने इंस्टाग्राम से एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों कपल्स यानी कि अनुष्का विराट और वरुण और नताशा एक साथ स्विट्जरलैंड में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इनकी खुशी और मस्ती का अंदाजा इनकी इस तस्वीर वाली स्माइल को देखकर ही लगाया जा सकता है। आइए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। अब बिहार के कई जिलों में कोहरे का असर दिखने लगा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, अरवल, सारण, दरभंगा, गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, तो कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, जमुई, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे, तो वहीं कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इस कड़ाके की ठंड में आइए जानते हैं सराफा बाजार कितना ठंडा या गर्म रहा। सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 30 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 36,139 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,150 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,400 रुपए था, यानी कि साफ तौर पर चांदी के भाव में इजाफा हुआ है। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.71 रुपए प्रति लीटर थी, तो वहीं डीजल 72.5 रुपए प्रति लीटर था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, साल 2019 में आपके द्वारा लिया गया रेजोल्यूशन आपने पूरा किया या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही अगर आप यह हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप यह वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।